के पश्चिम बंगाल की सह प्रभारी आशा लकड़ा बानाहाट में पहुंची, जहां उन्हें केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने राज्य के सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जमकर अपने वक्तव्य रखे एवं आए हुए जनता को संबोधित करते हुए आने वाले त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत को चुनाव को लेकर सजग रहने की कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जहां सत्तारूढ़ दल अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अभिषेक बनर्जी का 28 अप्रैल को बानाहाट प्रखंड के इलाके में जहां दौरा है, वहीं भाजपा की ओर से भी किसी प्रकार की कसर की कमी नहीं देखी जा रही। केंद्र की सत्तारूढ़ दल और राज्य की सत्तारूढ़ दल में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर विशेष रूप से कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज नेशनल सिक्योरिटी एवं रांची के मेयर और बंगाल के सह प्रभारी आशा लकड़ा का डुअर्स इलाके में बानाहाट स्थित केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री और जॉन बारला के इलाके में पहुंची और जॉन बारला के कार्यालय में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला भी उपस्थित थे। इस दौरान काफी संख्या में जलपाईगुड़ी जिले के भाजपा कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान बंगाल के सह प्रभारी आशा लकड़ा जी पश्चिम बंगाल सरकार की दुर्नीतियों एवं घोटालों में जेल में बंद मंत्रियों को लेकर काफी प्रहार करते हुए दिखी। आज के कार्यक्रम में जलपाईगुड़ी जिला भाजपा कमेटी की सभापति बापा गोस्वामी एवं केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला, जलपाईगुड़ी जिला के महासचिव पुनीता उरांव लकड़ा एवं महासचिव मनोज भुजेल, धूपगुड़ी विधानसभा के विधायक विष्णुपद राय तथा भूतपूर्व विधायक नागराकाटा सुखराम मुंडा, जलपाईगुड़ी एसटी मोर्चा के सभापति महेश्वर महली, जलपाईगुड़ी अल्पसंख्यक मोर्चा के सभापति एवं श्रमिक संगठन के वरिष्ठ नेता संतोष हाथी, धूपगुड़ी उत्तर पश्चिम मंडल सभापति कौशिक नंदी एवं महासचिव राहुल उनाव तथा विनोद राय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देखते रहिए एनआई डॉट न्यूज, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। पश्चिम बंगाल के इस द्वारस इलाके में जहाँ काफ़ी संख्या में एसटी समुदाय के लोग भी रहते हैं, आप झारखंड से आइए, यहाँ की प्रभारी भी हैं, और क्या उम्मीद लगता है आगामी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव और कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव आने वाला है? सबसे पहले तो आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और विशेष रूप से जलपाईगुड़ी का ये डुअर्स इलाका और आज हम बानाहाट में बैठे हैं और बानाहाट के स्थिति परिस्थिति से मेरा पुराना संपर्क है। मैं आपको बताऊं कि ये जिस क्षेत्र में आदिवासी समाज रह रहे हैं, मैं भी एक झारखंड की आदिवासी हूं और ये पूरा परिवार इधर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि हम बंगाल में रह रहे हैं और बंगाल की जो सरकार है उन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र का हत्या किया है, उन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है और आदिवासी समाज को और यहाँ का जो भी समाज है सभी समाज को कुचलने का प्रयास किया है। हमारे बीच हमारे केंद्रीय मंत्री जॉन बारला जी हैं, उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से मोदी जी ने काम किए हैं। उस काम को धरातल पर उतारने की अगर बात करेंगे तो आप पूरे कलकत्ता से लेकर के असम का बॉर्डर तक आप चले जाइए, कहीं भी आपको विकास नहीं दिखते हैं। सिर्फ केंद्र सरकार का योजना से सड़क बनी है वही दिखाई दे रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। आज भी यहाँ का निवास करने वाला व्यक्ति गरीब है। मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस तरह से पंचायत का इलेक्शन में चुना हुआ प्रतिनिधि होते हैं उनको जीपी बनने में भी दिक्कत हो जाते हैं, चुनाव तो जीत जाते हैं। मान लिया भारतीय जनता पार्टी का 10 लोग जीता है और टीएमसी का अगर 2 भी जीता है तो चेयरमैन उनका बनता है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है, इस दृष्टिकोण से हमने कहा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीय योजना जितनी भी है, चाहे प्रधानमंत्री अन्न योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, हर घर जल से नल योजना की बात करेंगे, आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे, यानी हजारों योजना है, उन योजनाओं में से कोई भी योजना यहाँ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दोगली नीति है बंगाल सरकार की, जिन्होंने यहाँ के गरीब जनता को शोषण करने का काम किया है। तो हम आज यहाँ आए हैं, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ और जिस तरह से हमने झारखंड में काम किया, रांची राजधानी की मेयर होने के नाते जिस तरह से हमने विकास की गंगा बहाई है, ये कहीं दिखता नहीं है। चाहे शहरी क्षेत्र देखें या ग्रामीण क्षेत्र, हर क्षेत्र को उन्होंने शोषण करने का प्रयास किया है और पूरी तरह से यहाँ का बालू को, यहाँ का खेत को, यहाँ का जमीन को, यहाँ का मट्टी को, सबको लूटने का काम किया, यानी पूरी तरह से टीएमसी का सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है और जनता का शोषण कर रही है। आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में पिछली बार जिस तरह से
घटनाएं यहाँ पर हुई थी, बहुत सारे बूथ कैप्चरिंग वगैरह की घटनाएं सुनने में आया था, तो इस पर कितना चुनौती आप स्वीकार करती हैं चूँकि आप प्रभारी हैं यहाँ? देखिए, भ्रष्टाचार और जंगल राज जहाँ है उस राज में सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनौती के रूप में खड़ा हुए। अभी जोन बारला जी बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया तब जाके वोट मिले हैं। अभी उन्होंने सब जनता कार्यकर्ताओं को एक मजबूती दे रहे थे कि किस तरह से हम नॉमिनेशन करेंगे, तो इसलिए हमने कहा कि जहाँ जंगल राज हो, जहाँ भ्रष्टाचार हो और जिस जगह पर अगर लोकतंत्र की हत्या हो, कानून नाम का कोई चीज ना हो, तो उस जगह पर कल्पना क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन में लड़ेंगे, नॉमिनेशन भी होगा, चुनाव भी जीतेंगे और अपना जीपी भी होगा। हम भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, मेरा देवतुल्य कार्यकर्ता दूर दूर तक चाय बगान में काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे आज मुलाकात करने, मोदी जी का योजना बताने और इस टीएमसी का सरकार को परिवर्तन करने के लिए सबको एक संबल देने के लिए आई हूँ। मैं आपको बता रही हूँ जब 2011-12 में इस क्षेत्र के सभी लोग इलेक्शन था उस समय सब टीएमसी की ओर नज़र लगाए, सीपीएम को छोड़ करके टीएमसी की ओर नज़र दौड़ा के देख रहे थे, लग रहा था कि ये पाड़ साड़ी पहनने वाली दीदी, हवाई चप्पल पहनने वाली दीदी तो मेरी होगी। लेकिन किसी गरीब का नहीं हुआ, उसने हर गरीब के पेट पर लात मारे। और आज अगर देख लो, उनके कई सरकार में हैं, उनके मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, विधायक और सांसद या उनका कोई प्रमुख कार्यकर्ता आनी चाहिए ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी में मैं मोदी जी की बेटी नहीं हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता और रांची से चल करके डुअर्स क्षेत्र में आई हूँ, तो एक कार्यकर्ता के लिए आई हूँ। उन्होंने अपना भतीजा का चेहरा बनाने के लिए यहाँ भेजा और कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले दक्षिण दिनाजपुर में 4 आदिवासी महिलाओं को डंडी मार्च करवाया गया टीएमसी पार्टी कार्यालय में, इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से महिलाओं को रोड में सुला के जाने के लिए, मैं अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। उस दिन मैं मालदा में थी, मालदा में हमारा एससी मोर्चा का कार्यशाला था और मालदा उत्तर और दक्षिण जिला का बैठक थी, उसमें अपने कार्यकर्ता भी बताएं और सोशल मीडिया से दिखाएं। तो ये हमारे इस बंगाल का दुर्भाग्य है, इस सरकार जो महिला होकर के, एक महिला मुख्यमंत्री होकर के दोगलापंथी करती है, महिला का इज्जत नहीं करती, महिला का सम्मान नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं इस राज्य की महिला दुर्गा और चंडी रूप धारण करके उनको धराशायी करने का प्रयास करेंगी।